हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज लेकर आई हूँ चिकन मंचूरियन का रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो रेड चिली है उसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मैंने एक मतलब पतीले में मैदा, कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक और पानी से एक बैटर तैयार कर लिया है। और हम जो चिकन है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्राई करने के लिए। तो आप देखते जाइए मेरी वीडियो को फ्रेंड्स। मंचूरियन मतलब बहुत टाइप से बनता है, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। ब्लैक पेपर भी मैंने यहाँ पे दे दिया और थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद मैं इसको पानी देके अच्छे से इसका बैटर, थिक बैटर तैयार कर लूँगी। अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा बैटर पतला हुआ है तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा और दे दूँगी। कॉर्नफ्लोर आपको देना ही है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो चुका है और अभी मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस को ऐड कर दूंगी। और मैंने यहाँ पे बोन वाला पीसेस लिया है फ्रेंड्स, तो जो बिना बोन का पीसेस होता है बोनलेस वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मंचूरियन में मैं बोन का पीसेस ही मतलब डालती हूँ, वो अच्छा लगता है खाने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। मिक्स करके मैंने यहाँ पर एक घंटा के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल दे दूँगी। उसके बाद मैंने जो ये चिली बॉयल किया था थोड़ा, इसको पेस्ट बना लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे चिकन फ्राई करेंगे और चिकन को मैं ऐसे एक बार फ्राई करने के बाद दो बैच में फ्रेंड्स फ्राई करूँगी। मतलब एक बार फ्राई कर लिया फिर दूसरे बार फिर से करूँगी। तो आप देखते जाइए वीडियो को। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग कर रही हूँ ताकि आप लोग को बोर ना लगे मेरा वीडियो देख के। ये लगभग मेरा पहला जो फ्राई है वो लगभग हो चुका है। और जो ये बचा हुआ जो बैटर था हमने जो तैयार किया था उसमें मैं ये फ्राइड चिकन दे दूँगी और मैं फिर से इसको एक बार फ्राई कर लूँगी। अगर आप नहीं करना चाहे तो स्किप कर दीजिए, लेकिन करने से अच्छा होता है। मेरे स्टाइल में बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है फ्रेंड्स। तो ये मेरा लगभग चिकन कुक हो चुका है, ये मेरा फ्राई हो चुका है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ऑनियन, जिंजर, गार्लिक चिल्ली और यहाँ पे थोड़ा सा कैबेज ऐसे चॉप कर लिया है एकदम बारीक। उसके बाद जो तेल बचा था मैं उसी तेल में मंचूरियन बना रही हूँ। तो तेल जब गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स उसमें मैं ये एकदम बारीक कटा हुआ प्याज दे दूँगी फ्रेंड्स। और मंचूरियन जब बनाते हैं ना जलने मत दीजिए, एकदम पूरा फटाफट कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये प्याज को फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा एकदम। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो चिल्ली का पेस्ट था सूखी चिल्ली का मैं इसमें ये दे दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे गार्लिक दे रही हूँ फ्रेंड्स, एकदम देखा एकदम पूरा छोटा छोटा चॉप किया है। उसके बाद ये जिंजर भी दे दिया है और थोड़ा सा कैबेज, अगर स्प्रिंग ऑनियन है अवेलेबल तो भी वो दे सकते हैं आप। और यहाँ पे ये तीखापन के लिए ग्रीन चिली फ्रेंड्स, एकदम हम लोग ये स्पीड से हम मिलाएंगे। और अभी मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस दिया है फ्रेंड्स, किसी भी ब्रांड का होने से चलेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी टोमेटो केचप दे रही हूँ, ये दोनों कंपलसरी है फ्रेंड्स। और ये अजीनोमोटो, और चाइनीज़ में ये अजीनोमोटो मतलब कंपलसरी है बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और पानी का एक बैटर तैयार किया था, उसको भी मैं यहाँ पर दे दूँगी। और ये जो मैंने चिकन फ्राई किया था मैं उसको दे दूँगी। और मैंने थोड़ा सा मीठापन के लिए थोड़ा सा चीनी दे दिया है फ्रेंड्स। एकदम ईजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है ना, टेस्टी खाने के लिए तो टाइम तो लगता ही है फ्रेंड्स। हम अभी इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट, ध्यान रहे पहले भी हम लोगों ने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। और अभी मैं थोड़ा सा और पानी दे रही हूँ ताकि पूरा जो ये मतलब ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, कैबेज अच्छे से मतलब लग जाए। ये देखिए ये लगभग हम लोग का बन के हो चुका है। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी फ्रेंड्स। और मैंने लास्ट में यहाँ पे मतलब थोड़ा गार्निशिंग के लिए कैबेज दे दिया है फ्रेंड्स, तो अगर स्प्रिंग ऑनियंस है वो भी दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा मंचूरियन बनके तैयार हो चुका है। अगर मेरा ये वीडियो और रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।